तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप की रिलेटिव इन्फॉर्मेशन बराबर देने की कोशिश हो रही है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा मैं, जो भी यहाँ पे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उन लोगों को यहाँ पे बेहद खुशखबरी है। तो उन लोगों को यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जो भी यहाँ पर एससी कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है बेहद खुशखबरी है। सो आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों की छात्रवृत्ति है वो ट्रायल में दी जाएगी। और क्या है इन्फॉर्मेशन, आप लोग जो है जानने के लिए पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को लेटेस्ट जॉब फॉर यू एक वेबसाइट है, आप लोग जो है गूगल पे या क्रोम पे सर्च कर सकते हो लेटेस्ट जॉब फॉर यू। ये आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी, क्रोम या गूगल पे किसी पे भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सर्च करने के बाद आप लोग लेटेस्ट जॉब यहाँ पर क्लिक कर देना। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जब आप लोगों के सामने इंटरफेस ऐसा आ जाए, आप लोग नीचे आना है और यहाँ पे ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप चैक 2019 ये आप लोगों के सामने है, इस पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बता दूँ, जो भी यूपी स्कॉलरशिप की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड होती रहती है, सबसे पहले आती रहती है, सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड होती रहती है। सो यहाँ पे दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, आज की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है जो निकली हुई है, ये आज की इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हो। सो यहां पे इंफॉर्मेशन क्या है वो आप लोग देख लीजिए। यहां पे चालू वित्तीय वर्ष में आप लोग देख सकते हो 14.5 लाख एससी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई। लखनऊ से इंफॉर्मेशन है, चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के 14.5 लाख विद्यार्थियों की को शुल्क की भरपाई की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण ने कार्य योजना तैयार कर ली है, जो 14.5 लाख अभ्यर्थियों को शुल्क भरपाई की जाएगी। तो यहाँ पे जो समाज कल्याण होता है उसने योजना तैयार कर ली है। और यहाँ पे कुल यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यहाँ पे अभी तक 1610 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। शेष यहाँ पे 11.60 लाख विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति देने के लिए शासन से 428 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं। इसी राशि को मिलते ही पिछले वित्तीय वर्ष की देयता का भुगतान दिया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो पिछली जो आप लोगों की वित्तीय वर्ष की जो धनराशि है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दी जाएगी। और बताया गया है जैसा कि जो भी यहाँ पे एससी कैंडिडेट हैं तो उन लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों को बताऊँगा, अनुसूचित जाति के 14.5 लाख विद्यार्थियों की शुल्क भरपाई होगी। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो 14.5 लाख अभ्यर्थियों की यहाँ पे शुल्क भरपाई की जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है जैसा कि कुल यहाँ पे धनराशि खर्च की जाएगी 2200 करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। और जिसमें जो है यहाँ पे 1610 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। और यहाँ पे जो धनराशि है यहाँ पे 11.60 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पे छात्रवृत्ति और मिलनी है, वो भी 428 करोड़ रुपए यहाँ पे मांगे हैं, जो सरकार यहाँ पे समाज कल्याण ने 428 करोड़ रुपए मांगे हैं। और उनकी जो छात्रवृत्ति है, शुल्क भरपाई जो छात्र रह गए हैं तो उनकी दी जाएगी। और यहाँ पे बाकायदा बताया गया है वो भी छात्र जो है अपनी धनराशि जो शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हुई है तो उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी 428 करोड़ रुपए जैसे ही मिलते हैं। तो आप अगर जो आपको इस साल 2019 में नहीं भी मिलती है सो आप लोगों को यहाँ पे जो है अगली सेशन में मिलेगी। आप लोगों का नेक्स्ट सेशन जो होगा 2020-21 में, तो आप लोगों की यहाँ पे जो है धनराशि दी जाएगी। जो भी छात्र यहाँ पे एससी कैंडिडेट की शुल्क भरपाई रह जाती है तो उनकी नेक्स्ट सेशन में दी जाएगी, नेक्स्ट सेशन में दी जाएगी। जो भी छात्र यहाँ पे रह गए हैं तो उनकी जो नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगी, जो भी छात्र यहाँ पे रह जाते हैं। सो आप लोगों को यहाँ पे 428 करोड़ रुपए मांगे हैं, जो यहाँ पे समाज कल्याण ने जैसे ही सरकार पास करता है सो आप लोगों की धनराशि है यहाँ पे शुल्क प्रतिपूर्ति सबकी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आ चुका हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।